नमोकार चैनल के सभी दर्शकों को मेरी जय जिनेन्द्र। मैं सतीश कुमार जैन, महामंत्री पारसधाम दिगंबर जैन मंदिर रामपस्ता ग्रीन वैशाली से आप सभी दर्शकों को, सभी साधारण बंधुओं को ये सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पारसधाम दिगंबर जैन मंदिर के पंच कल्याणक 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच होने जा रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम के लिए हम आप सभी लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं कि आप सभी लोग इसी कार्यक्रम में सम्मिलित हों और हमारे को अपना आतिथ्य करने का मौका प्रदान करें। हमारा ये मंदिर हमारी भावनाओं के अनुरूप सभी लोगों की सहायता से, सभी लोगों की सहयोग से बनाया गया है। इसमें हमारे मूल लायक श्री पार्श्वनाथ भगवान यहाँ पर विराजमान होंगे। 5 तारीख से 10 तारीख के बीच होने वाले पंच कल्याणक में 7 तारीख को जन कल्याणक की विधि, जो कि बड़े धूमधाम से, बड़े जोर शोर से हमने मनाने का निश्चय किया है। आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से ये इसके लिए कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आएँ और इस हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएँ। हमारा ये कार्यक्रम आचार्य श्री सुध सागर जी महाराज के सानिध्य में सम्पन्न होगा। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के सानिध्य में हमारा पूरा मंदिर का निर्माण हुआ है और उन्हीं की सानिध्य में हमारा पंच कल्याणक होगा। नमोकार चैनल के माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम हमारा पूरे भारतवर्ष में लाइव प्रसारित किया जाएगा। आप सभी लोग इस कार्यक्रम को, जो यहाँ पर सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, उसको कार्यक्रम को जरूर इस चैनल के माध्यम से देखें। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम संजीव शील है और मैं आंचल चैरिटेबल संस्था का सचिव हूँ। आंचल पूरे दिल्ली में और NCR में तकरीबन 25 सालों से काम कर रही है और हमारा मेन काम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, HIV/AIDS और वल्नरेबल पॉपुलेशन के साथ रहा है। अभी फ़िलहाल में ही हमने वैशाली में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला है, जिसमें एक ही रूफ में सभी तरह की स्पेशलिटी, जैसे कि कैंसर का इलाज हुआ, जैसे कि डायलिसिस हुआ, जैसे कि ऑर्थो का हुआ, आइज़ का हुआ, आई की हर तरह की सर्जरी, मतलब तकरीबन जैसे दांतों का पूरा एक कंप्रेहेंसिव फैसिलिटी हमारे अंदर है। और ये सभी एक अर्बन पुअर, जिसको हमने नया नाम दिया है, कि जो लोग गरीब हैं, जो गरीबी रेखा के आसपास हैं या जो अर्बन में रहते हैं और जो एक मिडिल क्लास है जिसको हम अर्बन पुअर में मानते हैं, वो उसी के लिए हमने अस्पताल का निर्माण किया है। इसके तहत 4-5 फ्लोर हैं जिसमें लैब भी है, एक्सरे भी हैं, सारी चीज़ें फुली लोडेड है, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, सब चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। और 4th फ्लोर पे हमने एक जैन मंदिर का निर्माण किया है। जैन मंदिर, उसमें पारस भगवान की मूर्ति का स्थापना होने जा रही है, जिसका पंच कल्याणक हम 5 से 10 दिसंबर के तहत हमारा हो रहा है। पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा महाराज जी के तहत हो चुकी है। सुध सागर महाराज जी के अंडर में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। लेकिन हमारा जो मानना यह है कि धर्म अपनी जगह है और सेवा अपनी जगह है, इसी सेवा के तहत हमने ये अस्पताल का निर्माण किया है। और आने वाले 5 से 10 दिसंबर में हम और भी सर्विसेज लेके जा रहे हैं, जिसमें खाने का वितरण, जो कि हम 10 रुपये की थाली के साथ करने जा रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं कि हर प्रत्येक दिन 5 या 10 रुपये की थाली हम 200 लोगों को दे पाएंगे। गरीबों के लिए, विधवा जिनके हो चुकी हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके हम मैरिज का प्रावधान करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो स्कॉलरशिप है, जो गरीब लोग हैं, जो बच्चे हैं जो करोना के तहत पढ़ नहीं पा रहे, उनके लिए हम स्पेशली 2 स्कॉलरशिप उस समय अनाउंस करने जा रहे हैं। इसी तरह की 3-4 चीज़ें हम और महाराज जी के संदर्भ में लेके उस दिन, उस दौरान हम इसको स्थापित करेंगे। जय जिनेन्द्र। मैं श्रीयान जैन, प्रधान पारसधाम जैन मंदिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। दमुकार चैनल के माध्यम से मुझे आज सौभाग्य मिला है कि मैं आप तक सबसे अपनी बात कहूँ। जैसा कि हम सबको विदित है, 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच रामप्रस्थ ग्रीन वैशाली गाजियाबाद में पंच कल्याणक होने जा रहा है, सुध सागर महाराज जी की देखरेख में। इस बीच में मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहूँगा कि जो दिन में कार्यक्रम हो रहे हैं भगवान से रिलेटेड, वो तो हो ही रहे हैं। शाम का विशेष रूप से इसमें खासियत आपको देखने को ये मिलेगी कि हमारे यंग लोग बहुत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बच्चे हों, जवान हों, शादीशुदा हों, बैचलर हो, और जो बड़े बड़े कंपनी में काम करने वाले हैं, वो सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा बहुत उत्साह बढ़ रहा है, जिस तरह से हमें रेस्पॉन्स आ रहा है यंगस्टर से लेके, जो हमसे अभी से पूछ रहे हैं कि हमें कोई कार्य बताइए, हम क्या अपनी सेवाएं दे सकते हैं। हमने
इसमें कवि सम्मेलन का भी एक दिन प्रोग्राम रखा है। हमारे यहाँ देश के बड़े बड़े कवि आएंगे। आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप टीवी के माध्यम से और पर्सनली आके भी इस प्रोग्राम को देखें। सभी भाई बहनों को जय जिनेंद्र। मैं श्री पारस धाम जैन मंदिर का से प्रचार मंत्री मनोज कुमार जैन बोल रहा हूँ। मेरे को बहुत बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जिस चीज़ के लिए हम काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे वो सपना आज हमारा पूरा होने जा रहा है। महाराज श्री सुर सागर जी के नेतृत्व में 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक रामप्रस्ता ग्रीन में हमारा पंचकल्याणक महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं। इस विषय में मैं थोड़ा सा प्रचार के लिए कि भाई इस प्रचार के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं इसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। हमारा समाज सारा पंचकल्याणक महोत्सव के लिए पूरी तरीके से हर्षोल्लित है और अपने अपने तरीके से वो सब लोग तैयारियों में लगे हुए हैं और प्रचार में जिसकी जिम्मेदारी मेरे को सौंपी गई है उसके लिए भी हम जगह जगह मंदिर के प्रोग्राम के पंचकल्याणक के प्रोग्राम के होर्डिंग लगवा रहे हैं। मंदिरों में सारे जैन समाज के जितने भी जमुना पार में मंदिर हैं लगभग 125 मंदिरों में हम लोग बैनर लगवा चुके हैं। उनके प्रधानों से हम लोग कॉन्टैक्ट कर चुके हैं, सबको निवेदन कर चुके हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे पंचकल्याणक महोत्सव में पधारें। इसके अलावा राजनीतिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, काव्य व्यक्ति, जो काव्य साहित्यकारों के लिए भी हम लोग संपर्क में हैं कि हम किन किन को बुलाकर अपने यहाँ अपने प्रोग्राम की शोभा बढ़ा सकें। नमोकार मंच चैनल के द्वारा आप इस प्रोग्राम को 6 दिन तक 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक लाइव तो देखेंगे ही देखेंगे और इसके अलावा भी अगर आप डायरेक्ट आकर यानी कि यहाँ पर उपस्थित होकर इस प्रोग्राम का आनंद लें तो बहुत ही हम लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।